अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। होप यू आर ऑल फाइन एंड इंजॉयिंग योर लाइफ। और जो है वो आज मैं आपको दूंगी अपनी वेंटी का टूर, क्योंकि मैंने जो है वो कुछ स्पेस वगैरह बनवाई है अपनी ड्रेसिंग टेबल के अंदर। पहले कम थी स्पेस और आपको बता दूंगी मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें न्यू बनवाई हैं। फ़िलहाल तो जो है वो मैं कुछ एडजस्टमेंट कर रही हूँ। चलें फिर इसको भी साथ लेके चलते हैं और करते हैं पहले अपने ड्रेसिंग टेबल खाली। और ये देखिए, पहले इसके लिए मैंने अपने बेडशीट पे बचा ली थी एक चादर। इससे ये होगा कि हमारी जो अगर प्रोडक्ट्स वगैरह गिर भी जाएगी तो हमारी जो बेडशीट वगैरह ख़राब नहीं होगी, हमारे जो चीज़ें सेफ हो जाएंगी। चले फिर जितना भी सारा का सारा कचरा भरा हुआ था ना, निकालते हैं सारा के सारा ड्रेसिंग टेबल से। अब हैरान रह जाएंगे, ये सब कुछ मेरे एक ड्रॉअर के अंदर था और अब मैंने बनवाए हैं टू मोर ड्रॉअर्स, और ताकि जो है वही सारा का सारा कचरा जो है ना गंद मंद एडजस्ट हो जाए। नहीं नहीं यार, गंद नहीं, नहीं नहीं यार, गंद थोड़ी मुंह पे लगाते हैं। अच्छा चलो जी, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये मेरे पास स्मॉल था ड्रॉअर है क्योंकि इसमें लॉन्ग मिरर है, बाकी सब में शॉर्ट मिरर है। ये देखें, फर्स्ट वाला जो है वो न्यू बनाया है, ये सेकंड वाला मैंने एडजस्ट कराया, ये पहले फर्स्ट नंबर पर था, और थर्ड वाला भी न्यू बनवाया है। और लास्ट वाले डबल ड्रॉअर है जो कि खुलते ही नहीं है, मतलब खुलते के ये पक्के बंद है, सिर्फ जो है ना ऐसी डिज़ाइन डाला हुआ है। समझ जाए। अच्छा, देखने में तो ये ड्रॉअर साफ़ लग रहे हैं लेकिन इनमें अच्छी खासी डस्ट है, तो इससे कहते पहले इसको साफ़ करते हैं। अच्छा, मिरर्स मैंने क्लीन कर लिए हैं, 2 घंटे लगा कर मेरे मिरर्स क्लीन कर लिए हैं। एंड यकीन करें हमारे घर में जितने मिरर्स हैं ना, मैं सिर्फ पूरा दिन मिरर्स ही क्लीन करती रहूँ ना तो मेरा फिर समझ जाए क्या हाल होगा। अच्छा, तो इसलिए मैं ज़रा हफ़्ते बाद ही जो है ना क्लीन करती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने जो है ये लॉन्ग मिरर था, ये मैंने क्लीन कर लिया था। अब इसके जो है ना ड्रॉअर्स वगैरह क्लीन कर रही हूँ अच्छे से, या फिर देख लिया होगा कि कैसे जो है वो डस्ट लगी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट पीस को हम वाला पोशन कर लेते हैं साफ़। और ये डस्ट इसीलिए है क्योंकि ये न्यू बने, आपको तब डस्ट वगैरह तो आ ही जाती है कुछ भी जो है ना, जब भी न्यू बनवाते हैं अब तो पुराने वाली चीज़ें बन रही होती है उसमें भी डस्ट चली जाती है। अच्छा, नेक्स्ट इसको भी क्लीन करते हैं। अच्छा, ये मेरी वीडियो जो है वो उस जो रिव्यू मैंने शूट किया था उसके बाद की है। अगर आपने किसी ने भी जाके उन प्रोडक्ट्स का रिव्यू नहीं देखा, अनबॉक्सिंग नहीं देखी जो मैंने मून टच ऑर्गेनिक से मंगवाई थी, प्लीज़ जाके देखें क्योंकि वो अफोर्डेबल है। अगर आप लोगों को मेकअप करने का शौक़ है, आपको स्किन केयर करने का शौक़ है लेकिन आप बजट आउट है, तो फिर ज़रूर जाके देखें, जो कि मैं अभी आई बटन में भी दे दूँगी इसका लिंक। तो आप जो है ना बहुत दिल से बनाइए वो वीडियो, लेकिन आई नो वैसा रिस्पांस नहीं आ रहा, लेकिन चलें कोई नहीं, आप लोग देखिएगा और रिस्पांस ज़रूर, अच्छा बुरी लगे तो भी बता दीजिएगा, अच्छी लगे तो भी वीडियो ज़रूर बताया करें। और ये देखिए, यहाँ पे मेरे सेकंड वाला ड्रॉअर भी इस तरीके से क्लीन कर लिया, देखिए हो गया, और इसी तरीके से मैं थर्ड वाला ड्रॉअर भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, बाहर से भी हर जगह से भी अच्छे से क्लीन करने के बाद। या भी आपको मैं लुक दिखा देती हूँ, मैंने कितने देखे कितना टाइम लगा, आपको इतनी जल्दी वीडियो देख ली, लेकिन मैंने जो है वो अच्छे से क्लीन कर। अच्छा, ये मेरे पास जो है वो इसी का एक पड़ा हुआ था, बैग से पड़ा हुआ था, इसको मैंने यूटिलाइज करने की कोशिश की है। अच्छा, पहले मैंने सोचा इसमें परफ्यूम रखती हूँ, और ये देखे इसको मैंने इस तरीके से रख दिया, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद अच्छा नहीं लगा, मुझे ना एडजस्टमेंट सही नहीं हुई, तो फिर मैंने इसे थोड़ा सा और कट किया और नीचे किया, इसको थोड़ा सा छोटा किया। और अब इसमें मैं क्या रखूँ। अच्छा, नेल पॉलिश मेरी बेटी ने रखना शुरू कर दी, तो मैंने कहा अच्छा अच्छी लग रही है, चलो रखो। जब उसने नेल पॉलिश रख दी तो फिर इसके साथ ही मैंने हेयर रिमूवर रख दिया, और साथ मेरा रेवलॉन का सीरम है, हाँ हेयर सीरम है। और मैंने साथ जो है एक और जो है नेल रिमूवर पैड रख लिया, ताकि जब भी मैं नेल पॉलिश यूज़ करूँ सिर्फ इसको बाहर निकालूँ और साथ ही जो है वो अपना काम ईजी कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे ये रख दिया, ये फर्स्ट वाले ड्रॉअर में मैं चीज़ें रख रही थी, और साथ फिर मैंने कुछ ये हेयर केयर की, फुट केयर की, और इस तरीके से चीज़ें जो है ना वो एडजस्ट करना शुरू कर दिया। और थक गई मैं, और बार बार जो है मैं जगह चेंज करी जा रही थी, कभी रख रही थी कभी नहीं रख रही थी, इस तरीके से करी। जब तक ये मैं करती हूँ, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बता देती हूँ क्यों मैं इतनी जो है ना सबसे पहले मेहनत कर रही हूँ कि मैं यहीं पर जो है ना सब चीज़ें एडजस्ट कर लूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट टिप है जो मुझे जो है कहते मैंने पहले गलती की थी, वो ये थी कि मैंने जब अपना जो है वो बनवाया था ड्रेसिंग टेबल बनवाया था, तो उसके लिए जो है वो मैंने कम स्पेस रखा था। मुझे लगता था एक ही ड्रॉअर बहुत बड़ा है, ठीक है बाकी मैं चीज़ें कबर्ड से रखनी, ऐसा कभी नहीं करना क्योंकि फिर बहुत मसला होता है। कबर्ड में से चीज़ें निकालते हो, ड्रेसिंग टेबल पे लेके जाते हो और वो अजीब सी मैसी होता रहता है। अच्छा, फिर जो है वो आपने इस तरीके से करना है कि नेक्स्ट सबसे पहले अपने जब भी आप रूम बनवाएं या किसी अपने वेंटी के अलग स्पेस बनाएं, और वेंटी भी अच्छी खासी स्पेस बनाएं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, इवन कि आपके पास कम चीज़ें हैं तो भी ज़्यादा बनाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम चीज़ें परचेज हों तो ऑटोमेटिकली उनके लिए। सेकेंड टिप भी यही है कि जब भी आप चीज़ें परचेज़ करें उसके लिए आपके पास स्पेस होनी चाहिए, चाहे आप छोटी से छोटी चीज़ अपने घर के लिए परचेज़ करें या अपनी बेटी के लिए परचेज़ करें, आपके पास चीज़ें के लिए जगह होनी चाहिए। जगह नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आता सा घर मैसी होता जाएगा,
ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा। थर्ड टेक, जब भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करें अपनी तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें इजी टू यूज़ है, इजी टू एक्सेस हो, ऐसा ना हो कब एक चीज़ निकालें तो 10 चीज़ें गिर जाएं। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि इस तरीके से ना हो तो हमेशा अपने ड्रॉअर में, अपने वार्डरोब में 80-20 की रेशियो रखें, यानी 80% अपना जो है वो स्पेस यूटिलाइज करें किसी भी पोर्शन में और उसको 20% फ्री रखें ताकि आपके जो ड्रॉअर, वार्डरोब और वेंटी जो है ज़्यादा देर तक के लिए ऑर्गेनाइज रह सके। और फोर्थ टिप ये है कि अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए टाइम स्केड्यूल बनाएं या टाइम निकालें, 1 वीक बाद, 2 वीक बाद और मंथ बाद एटलीस्ट हर चीज़ की मेंटेनेंस ज़रूरी है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की भी मेंटेनेंस ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली हैं, जो ड्रेसिंग टेबल में मिनिमल चीज़ें रखी हैं, वो मोस्टली परफ्यूम वगैरह हैं, एक आध जो है वो क्रीम वगैरह। नेक्स्ट ये है जो है वो मैंने पॉन्ड्स की 2 क्रीम मैं बहुत यूज़ करती हूँ, इसका भी नेक्स्ट मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूँगी वीडियोस में। और ये जो है अर्जेंट फेशियल, इसका मैंने अभी रिव्यू लास्ट वीडियो अपलोड की है तो आप ज़रूर जाके देखें। अच्छा, ये इसको भी मैं जो है ना हाइड्रा बॉम्ब शीट्स, ये भी जो है वो मैं गार्नियर की ये भी परचेज़ की है ताकि जो इसका भी आपको रिव्यू दे दूँ, और ये भी नेक्स्ट वीक में आ ही जाएगा इसका भी रिव्यू। अच्छा, नीचे मेरा मास्क पड़ा हुआ था कि अगर मुझे जल्दी कहीं जाना पड़ता है तो मैं मास्क पहन के चले जाऊँ, अव्वल तो मैं बहुत कम पहनती हूँ, मुझे नहीं पहना जाते। नेक्स्ट जो है ये मेरा ड्रॉअर जो है तकरीबन, इसमें भी देख ले स्पेशियस है, जगह जगह से मैं स्पेस छोड़ी हुई है। कुछ ऑर्गेनाइजर मैंने नहीं मंगवाए, ये मैंने वही बॉक्सेस यूज़ किए हैं जो मेरे घर में अवेलेबल थे, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल नहीं परचेज़ करना चाहिए ऑर्गेनाइज़र, मैं कहीं एक दफ़ा सारा अच्छे से सेट हो जाए फिर जो बनाऊँगी। अच्छा, ये देख लें आप, ये ऑलमोस्ट दूसरा तीसरी डब्बी हो गया मेरे, यहाँ देखते रहेंगे ये पॉन्ड्स की, इसके अंदर मैंने पिन वगैरह रखे हैं, मुझे पता है कि यहाँ पे पिंस पड़ी हैं इसके अंदर, हर चीज़ देखें जिस तरह मर्ज़ी निकाल लें। अच्छा, इसके ऊपर इसलिए रखे हैं क्योंकि ये चीज़ इतनी यूटिलाइज़ नहीं होती, इसमें USB वगैरह पड़ी हुई हैं और इसको मैंने सेट किया था जोकर शोकर के नाम से, और इसमें कुछ मेरी जो है ना चीज़ ऐसी बस रखी हुई हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ये आप देखें, मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी स्किन केयर या फुट केयर की चीज़ें पड़ी हुई हैं, नाइट क्रीम्स हैं या इस तरीके से मैंने जो है ना यहाँ पे रखी। नेक्स्ट ये आपको मैंने दिखाया था, पहले मैं ऊपर वाले पोशे में रख रही थी लेकिन अब मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया है, क्यों मैं अभी बताती हूँ। पहले आप ये देखें ग्लैमरस फेस की नेल पेंट रिमूवर, और ये ऑलमोस्ट बाकी जो लोकल मिलते हैं उससे डबल इन प्राइस है, तो मैं आपको फिर बता देती हूँ इसमें अच्छा है नहीं अच्छा है, कैसा है और कैसे ब्रांड के नेम है, तो इस वजह से जो है वो ऐसे जो है ना दिया एक्सपेंसिव। अच्छा, ये मेरे पास चॉकलेट वाला बॉक्स था। अच्छा, इसको जो है फिर मैंने एज अ मेकअप ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ किया, इसको अच्छा मुझे मेकअप करना होगा तो मैं सिंपली इसको बाहर निकाल के अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखूँगी, क्योंकि इसमें मैंने सारा अपना डेली यूज़ का मेकअप रख दिया है और मुझे डेली यूज़ में इसके अलावा किसी चीज़ को नहीं निकालना पड़ेगा, इसलिए बस इसी में दोबारा वापस रखी और जो है डायरेक्ट इसको मैंने जो है ना अपने ड्रॉअर में रख दिया, तो कुछ भी मैसी नहीं होगा। अच्छा, अगर लेकिन अगर इवेंट वगैरह है या कोई फंक्शन वगैरह है तो या कोई स्टाइलिंग वगैरह करनी है तो फिर जो है वो मैं नेक्स्ट बाकी चीज़ों में से कुछ देख लूँगी, उसमें भी मैंने चीज़ें सेपरेट करके रखी है, मुझे पता है क्या चाहिए क्या नहीं। इवन यहाँ एक ब्रश वगैरह भी रख दिया जिससे मैं ब्लशर वगैरह लगाती हूँ, बाकी चीज़ें मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती। अगर मुझे एक्स्ट्रा बाकी ब्रश हाइलाइटर वगैरह जिस तरीके चाहिए उसके लिए सेपरेट है। अच्छा, मैं काजल मुझे बहुत पसंद है, मैं आईलाइनर बिल्कुल भी नहीं मेरे पास है, मैं लगाती ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे काजल बहुत ज़्यादा पसंद है। 2-3 जो है वो एक नोट की है, एक जो लेकमी की है, और डिपेंड करता है कि कौन सी, जैसे कि लेकमी की बहुत हैवी लुक देती है और काफ़ी देर तक देती है, लेकिन नोटमी की लाइट सी लुक देती है, डेली लुक देती है, इसलिए जो है वो एक तो फैलती भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ जे डॉट की। और बाकी तकरीबन मोस्टली मेकअप में बस जे डॉट का है, जेवेनी का है, बस इसी तरीके से है, तो इसमें बहुत मतलब मिनिमल मेकअप है लेकिन अच्छा मेकअप रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के मेकअप नहीं है मेरे पास। अच्छा, ये बाकी साइड पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक किट पड़ी हुई है आई शेड की है, नीचे ब्लशन किट है, ये तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं तो मैं यहीं कोई हाईलाइटर लिपस्टिक लगा के गुजारा कर लेती हूँ आँखों पर भी। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर रखे हुए थे, ये जो है इस तरीके से ब्रशेज वगैरह रखे हुए थे, ब्रशेज मैंने अब सेपरेट कर लिए हैं, तो मुझे भी देखते हुए ख्याल है कि यानी ब्रशेज सेपरेट होने चाहिए, तो ये बहुत सारे ब्रशेज हैं देखें ज़रा, तकरीबन हर तरह के ब्रशेज हैं मेरे पास, ये देखिए मैं सेपरेट साइड पर रख दूँगी, पहले मैंने दरमियान में रखे हुए थे, साइड पर मैंने ग्रिपर्स वगैरह लगा दिए हैं ताकि, क्योंकि मुझे जो है बाल हमेशा मेरे लंबे हैं तो मैं हमेशा से ना टाई करके रखती हूँ, और ये देखिए मैंने जैसे निकाला था वैसे ही अंदर रख दिया है, और कोई भी चीज़ जो है ना हर चीज़ को छेड़ा है लेकिन कुछ भी जो है डिसऑर्गेनाइज नहीं है। नेक्स्ट अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं। अच्छा, ये मैंने ऊपर इसलिए सब चीज़ें रखी क्योंकि ऊपर लॉक है, मैं इजीली लॉक कर दूँगी, बाकी चीज़ें मुझे ऐसे लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, बहुत प्यारा है यार ये, मतलब ज्वेलरी बॉक्स में एक्चुअली ये भी DIY हुआ है। अच्छा, ये मैं बाद में बता देती हूँ, ये मैंने जो है ये भी परफ्यूम का है,
इस पे आइस लगा के मैंने इसे DIY करके ग्लासेस बॉक्स बना लिया है। ये स्क्रंचीज वगैरह हैं, ये बाकी जो है ना डेली यूज़ की चीज़ें हैं। ये मैंने टूथपेस्ट वगैरह पता नहीं यहाँ क्यों रखी हैं, बस चले रख दी हैं। अच्छा नेक्स्ट जो है वो अब मैं क्या निकाला। अच्छा ये जो है ना मेरे वॉच के बॉक्सेज हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है डस्टी हुआ। अच्छा साफ़ कर लेती हूँ बाद में। ये देखिए वॉच एक मेरे हस्बैंड की और मेरी वॉच है। अच्छा नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट मेरे पास हाँ ये भी तकरीबन ये बैंगल्स वगैरह रखी हुई है मैंने। ओह गिर गई, चले छोड़ दे से। अच्छा नेक्स्ट अब हम दिखाते हैं अपना ज्वेलरी बॉक्स जो मैंने आपको कहा था। एक्चुअली ज्वेलरी बॉक्स नहीं है, उसे मैंने DIY किया हुआ है। ठीक दोबारा बार बार क्यों दिखा रही हूँ। अच्छा ये लेंगे, ये देखते हैं। ये जो है ना ये मुझे मेरा बहुत फेवरेट, ये ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स पुराना है, 6 to 7 ईयर्स पुराना है। ये तब का है जब मेरे हस्बैंड जो है वो कश्मीर में जॉब करते थे, कश्मीर बनास्पति में। और जो है ना ये उन्होंने कुछ गिफ्ट्स दिए थे, इसमें ना थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, वो पोर्शन हर डिफरेंट डिफरेंट बने हुए थे। और इतना खूबसूरत था मुझे फेंकने को दिल नहीं किया, तो मैंने क्या सोचा इसमें ज्वेलरी रख दी। और देखे किस तरीके से जैसे आप जो है ना ओपन करते हैं, 3 टायर्स की जो है वो ज्वेलरी बॉक्सेस बन जाता है। अच्छा ये जो है मैं तरह की जो है ना वो लुक दिखाती हूँ, इसके कहते हैं सिनेमेटिक जो है ना इसकी दिखाती हूँ। और इसके साथ साथ सिनेमेटिक देते बता दूँ कि मैंने एक और ज्वेलरी बॉक्स जो है वो दराज से ऑर्डर किया हुआ है, जैसे वो आएगा तो उसमें बाकी मेरी ज्वेलरी एडजस्ट हो जाएगी, कुछ यहाँ से रख लूँगी। वैसे ये मुझे बहुत प्यारा है, देखो बस इसे मैंने ओपन करना है और इस तरीके से क्लोज करके रख देना है। और ये चले अब इसको रख देती हूँ, बहुत तारीफ़ें होगी इसकी, इतनी भी तारीफ़ें नहीं, जो बहुत पुराना है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, बस इतना ही कहूँगी इसके लिए। अच्छा नेक्स्ट इसको भी रख देते हैं। और इसमें अब कुछ और दिखाने वाला है मेरे पास, नहीं मेरे ख्याल कुछ और दिखाना, बस अच्छी दोबारा से जैसे निकाली थी देखें। अच्छा दिखाऊंगी। अच्छी जिनकी आईज वगैरह रखी हुई है ऐसी, बस पता नहीं क्यों रखी हुई है इसमें, बल्कि जो आईज नहीं ये भी सच एडजस्ट किया हुआ, इसमें मैंने पिन एयरपिन रखी हुई हैं, दुकानों में पहनते हैं क्या टॉप्स टॉप्स वगैरह रखे हैं, भूल गई थी यार एयरपिन क्यों कह रही थी। अच्छा इसको बंद करते हैं और अब ये मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपनी ड्रेसिंग की। अच्छी बल्कि नहीं अभी तो कहाँ फाइनल लुक है यार। अच्छा ये जो है वो मैंने हाँ यहाँ पे मैंने अपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में हेयर स्ट्रेटनर और यहाँ पे ड्रायर और साथ जो है वो हेयर स्प्रे रख दी, जो मैं वहाँ रखी थी, तो मुझे लगा कि यहीं से बस एक ही खोलो। अच्छा कर्लर शर्लर मेरे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती कर्लर, मैंने तो स्पेशली कैरेटिन करवा के बाल स्ट्रेट करवाए थे लेकिन अब काफ़ी अर्सा हो गया। अच्छा और ये सामने जहाँ पे मैं अक्सर जो है वो अपनी प्रोडक्ट से रिव्यू करती हूँ या अनबॉक्सिंग करती हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठ के करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने दो परफ्यूम रखे हैं, मुझे यहीं पे ये पसंद थे। और आपको चीज़ जहाँ पसंद होती है आपका रूम है, आप ही जगह आप जहाँ मर्जी रखें, या छोड़ दे लोग क्या कहते हैं यहाँ पे ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपको जैसे पसंद है वैसे रखें। अच्छा यार मोस्टली ये मैंने ड्रॉअर इसलिए बनवाया था, ये थोड़ा सा स्टडी टेबल टाइप बनवाया हुआ है ताकि यहाँ मैं बैठ के अपना यूट्यूब पर थोड़ा बहुत काम कर सकूँ। अच्छा ये जो है सिटिंग टेबल जो है वो मैं ड्रेसिंग का था फिलहाल यहाँ पर रख दिया है, लेकिन चेंज हो जाएगा। अब मुलाकात होगी कल न्यू वीडियो के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।